बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमने द किचन स्टाइल में आपको रमदान स्पेशल रेसिपी बनाना सिखाई है। आज हमने आपको चिकन समोसा बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, इसे जरूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन समोसा बना रहे हैं। यह चिकन हमारे पास धुली हुई हमने घर में बना दी है और कीमा बनाया है इसका। यह समोसे पट्टी, काली मिर्च, धनिया और जीरा कुटा हुआ, चाट मसाला, हल्दी, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, अदरक लहसुन, मैदा, पानी, प्याज चॉप की हुई, मिर्चें चॉप की हुई और धनिया पुदीना। ये देखें, थोड़ा सा पानी में हम मैदे का घोल बना देंगे। समोसे लपेटेंगे जब हम उसको चिपकाने के लिए। एकदम पतला घोल नहीं बनाना है, दरमियाना घोल बनाइएगा ताकि समोसे अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखें, हमारा घोल तैयार हो गया है। इतना गाढ़ा रखिएगा। हमने पतीली चढ़ा दी है, अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं और इस चिकन को हम भूनेंगे हल्के से। जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ा। देखिए, चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुने, इसमें हमने कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको बिल्कुल खुश करना है हमें चिकन को। ये देखिए, चिकन खुश्क हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें और हल्दी डालेंगे। हल्दी हम इसमें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे थोड़ी, फिर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हम चिकन को देखें हल्दी और अदरक लहसुन में भून रहे अच्छी तरीके से ताकि चिकन की बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाए और खुश्क हो जाए चिकन। हल्दी से कलर कितना अच्छा आ गया। तो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। देखिए, चिकन और हल्दी और अदरक लहसुन डाल के हमने भून लिया था, अब ये सूख गया है बिल्कुल। हम इसमें धनिया और जीरा मोटा मोटा कुटा हुआ डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालेंगे। इसमें हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, प्याज चॉप की भी डाल देंगे और धनिया पुदीना भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आपको जितनी चाहिए। अब अपने मसाले को अच्छी तरीके से भूने और बिल्कुल खुश करना है ये मसाले। ये देखें, मसाला बिल्कुल तैयार है भून के। अब हम इसे ठंडा होने के लिए कम से कम आधा घंटा रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल खुश्क हो गया है। कितना अच्छे तरीके से मसाला खुश्क हो गया है।
देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया इसका। और फ्रेंड्स हमने पीनट पोटैटो रोल्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर हमारी रमजान स्पेशल रेसिपी है वो भी देख सकते हैं। देखिए हमारा तमाम चिकन समोसा तैयार हो गया है, अब हम इसको रख देंगे, फिर इफ्तारी के टाइम हम तल के खाएंगे। हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी अपनी, अब हम इसमें तेल डालेंगे अपने समोसा फ्राई करने के लिए। ये देखिए ऑयल डाल दिया मैंने, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए मैं समोसा फ्राई कर दूंगी इसमें। ये देखें तेल गर्म होने रख दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें समोसे डाल रहे हैं। देखिए समोसे अभी फ्राई हो रहे हैं, अब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए। इस तरीके से ये चमचा चलाते रहे तेल में ताकि समोसे अच्छी तरीके से पक जाए और ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन अच्छी तरीके से हो जाए ये समोसे। समोसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए, हम इसे निकाल रहे हैं।